अलवर शहर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मकान के बाहर ही नहीं मकान के अंदर खड़े चौपहिया वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। मुख्य रूप से ये वाहन चोर गैंग इको कार को अपना निशाना बनाते हैं। दरअसल इको कार की साइलेंसर से निकलने वाला प्लैटिनम की बाजार में अच्छे डिमांड व कीमत है। चोर गैंग साइलेंसर से निकलने वाला प्लैटिनम निकालकर डिमांड अनुसार बेचते हैं। ऐसा ही वाकया अरावली विहार थाना क्षेत्र के 5/2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देखने को मिला, जहां रात्रि में घर के बाहर खड़ी इको कार सुबह गायब मिली। घटना को लेकर पीड़ित रुड़मल शर्मा ने थाने पर चोरी का मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि वह थाना गाजी के निवासी हैं, फिलहाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, जहां घर के बाहर से उनकी इको कार चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि चौपहिया वाहन चोरी की लगातार घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में रात्रिकालीन पुलिस गश्त न होना गंभीर विषय है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं यहाँ रात में लाकर गाड़ी खड़ी करी, सुबह देखा तो गाड़ी गायब मिली थी मेरे को। जी कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी इको है, नंबर है RJ52CA3212। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुड़मल शर्मा है, मैं थाना गजी का रहने वाला हूँ और यहाँ 5/199 कड़कवा हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। और FIR दर्ज करवाई है थाने में, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मानते हैं कोई पुलिस गश्त नहीं रहती जो ये चोर? अब यार मैं तो आज तक, मुझे 2 साल हो गई, आज तक मैंने गश्त में कोई पुलिस वाला को नहीं देखा आज तक भी। जी कोई गाड़ी कभी रात में आई हो आज तक नहीं देखा है मैंने। यहाँ पे 2 साल हो गए मुझे इस मकान में रहते हुए। सुबह जब आपने गाड़ी, सुबह आके मैं देखा तो मेरी गाड़ी गायब थी। करीब मैं 9 बजे उठा था तब मेरी गाड़ी गायब मिली मुझे। गाड़ी में कोई माल वाल भी था क्या? नहीं, खाली गाड़ी थी। खाली गाड़ी थी मेरी। रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करवा दी है यहाँ अरावली विहार थाने के अंदर। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई फुटेज वुटेज देखे आपने? नहीं, अभी कोई फुटेज भी नहीं मिले ना कोई कानूनी कार्रवाई।